हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रेया हर्बल टिप्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ तीन तरह का डिटॉक्स वाटर शेयर करने वाली हूं। उसके लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, आइए हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने वाटरमेलन लिया है, ये लेमन की स्लाइस है, ये जिंजर है, अदरक, और ये कुकम्बर है, ये मिंट है, और ये हमने ऑरेंज को स्लाइस किया हुआ है। ये हमने कैरेट लिया हुआ है और कैरेट का हमने अच्छे से उसको छील करके ऐसे पतली पतली हमने इसको स्लाइस कर ली है। कुकम्बर को हमने वॉश करके बिना उसका स्किन निकाले ही, बिना उसको छीले ही हमने ऐसे स्लाइस किया हुआ है। और पहले मैं आपको सबसे पहले मैं आपको जो डिटॉक्स वाटर बनाने जा रही हूँ वो बताती हूँ मैं, उसमें क्या क्या डालना है। सबसे पहले हम इसके अंदर जो हमने ऑरेंज का स्लाइस बनाया है इसको हम अंदर इसके इस तरह से एक एक करके इसको ऐसे प्लेस कर देंगे। ऑरेंज स्लाइस को हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें लेमन की स्लाइस डालेंगे और ये कैरेट जो हमने इस तरह से कट किया हुआ है हम इसको डालेंगे इसके अंदर। और ये खीरे का जो हमने कट किया था उसको हम इसके अंदर इस तरह से डालेंगे। पुदीने की पत्तियां हम इसको इस तरह से तोड़ करके अंदर डाल देंगे। और ये हमने अदरक को छील करके उसको इस तरह से इसकी स्लाइस बना ली है और हम इसको अंदर ऐसे डाल देंगे। इसके बाद अब हम इसके अंदर ठंडा पानी, बहुत ज़्यादा चिल्ड पानी नहीं लेना है आपको, नॉर्मल ही आप यूज करिए। इस तरह से हमें उसको ऊपर तक अच्छे से भर देना है। इसको हमने ऊपर तक अच्छी तरह से भर लिया है और हम इसको इस तरह से इसका कैप बंद करके इसको कम से कम 3 से 4 घंटे आपको रखने हैं, उसके बाद ही आपको इसे यूज करना है। ये कुछ अच्छी तरह से जो सारे इंग्रेडिएंट्स हमने इसके अंदर ऐड किए हैं वो अच्छे से पानी के अंदर घुल जाए, उसके बाद ही आपको इसे यूज करना है। और आपको ये कांच की बोतल में ही बनाना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप किसी भी स्टील के या किसी भी अदर मेटल के बर्तन में आप इसे मत बनाइएगा, क्योंकि जो ये फ्रूट्स हैं इसमें सबका अपना अपना जो भी है वो रिएक्शन किसका क्या है हमें नहीं पता होता है। तो इसलिए ये जब भी आप बनाएं और जब भी आप इसको स्टोर करके रखते हैं तो आप इसको कांच के बर्तन में ही रखिए। ये हमारा एक डिटॉक्स वाटर जो बन के रेडी हो गया है। आइए हम देख लेते हैं कि हमारा जो दूसरा डिटॉक्स वाटर है वो हम कैसे बनाते हैं। ये हमारा जो दूसरा डिटॉक्स वाटर है इसके लिए हमें सबसे पहले वाटरमेलन, इसको हमने ऐसे छोटे छोटे क्यूब में कट कर लिया है। सबसे पहले आप इसको, अगर आपके पास कांच की बॉटल नहीं है तो अगर आपके पास इस तरह का बोल है कांच का तो आप उसमें भी बना सकते हैं। छोटी बॉटल है कहीं भी, लेकिन आप अदर किसी स्टील या किसी अदर जो बर्तन है उसमें आप नहीं बनाइएगा। और ये हमने वाटरमेलन डाल दिया है और इसमें हम ऐसे ही 3-4 लेमन के स्लाइस ऐड कर देंगे और हम मिंट को थोड़ा इस तरह से क्रश करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये ठंडा पानी हमने डाला है, ये नॉर्मल पानी है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है। इस तरह से हमने इसमें पानी, इसको भी आप जो हमने पहला डिटॉक्स वाटर बताया उसकी तरह इसे भी ऐसे ही फॉलो करना है आपको। इसको भी कम से कम 3 से 4 घंटे रखने के बाद ही आपको इसे पीना है। और जब पानी आपका ख़त्म हो जाता है तो आप उसमें दूसरा पानी ऐड कर सकते हैं और ये आप पूरा 1 दिन तक पूरा इसको
24 घंटे के अंदर आप इसको ख़त्म करना होता है आपको। फ्रेंड्स, ये हमारा तीसरा डिटॉक्स ड्रिंक है। इसके लिए हमने पहले ग्रीन टी का एक बैग लेकर उसको गर्म पानी में डीप कर दिया था। वो अच्छी तरह से जब उसके अंदर इन्फ्यूज़ हो गया तो हमने उसका ये वाटर लिया हुआ है। और इसके लिए सबसे पहले हम इसके अंदर लेमन की स्लाइस, 3-4 स्लाइस आप, और जिंजर की 3-4 स्लाइसेस, और ये मिंट की जो पत्तियां हैं उनको आप इस तरह से तोड़ करके इसको थोड़ा सा क्रश करके आप डाल दीजिए। उसके बाद हम ये जो ग्रीन टी का पानी हमने बनाया है ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये हमारा बनके रेडी हो गया है। अब हमें इसे पीना कैसे है ये मैं आपको बताती हूँ। ये जितना भी डिटॉक्स ड्रिंक हमने आपके साथ शेयर किया है इसको आपको खाली पेट बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप इसको ब्रेकफास्ट के बाद ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद जो थोड़ा गैप देकर आप इसे पी सकते हैं, लंच के बाद ले सकते हैं, जो बीच में आपको प्यास लगती है उस समय आप इसको ले सकते हैं। खाली पेट इन तीनों में से किसी को भी आपको नहीं लेना है। और ये डिटॉक्स वाटर हमारा तीनों बन के रेडी हो गया है। ये तीनों हमारा डिटॉक्स वाटर जो है वो बन के रेडी हो गया है। डिटॉक्स वाटर के फ्रेंड्स बहुत सारे फायदे हैं, जो हम रोज़मर्रा के काम में जो हमें थकान होती है और जो हमें हमें पता नहीं चलता है उसका क्या रीज़न है, जो हमारे शरीर में अत्यधिक जो टॉक्सिन जमा हो जाती है उसके कारण भी ये थकान हमें महसूस होती है। तो ये डिटॉक्स वाटर है जो आपके अंदर जो भी इस तरह का पॉइजन हमारे शरीर में जमा होता है, जो टॉक्सिन जमी होती है, उससे ये डिटॉक्स वाटर बाहर निकाल देता है। ये आपके शरीर में पानी की मात्रा को बरकरार रखता है और आपका वजन भी ये मेंटेन रखता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा डिटॉक्स वाटर, ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और वो जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ज़रूर क्लिक करिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।